नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दग्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी आपको भी पता और मुझे भी पता है कि मोज एप्लीकेशन ने MFC प्रोग्राम को बिल्कुल से अपडेट कर दिया है, बिल्कुल से चेंज कर दिया है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको मोज एप्लीकेशन के न्यू ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की A to Z कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। और A to Z मतलब होता है कि मोज एप्लीकेशन के MFC में ज्वाइन होने से लेकर मिंट्स आने तक की आपको कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अभी यार बहुत कुछ यार मोज एप्लीकेशन ने अपडेट कर दिया है, जैसे कि बेटर लक, नेक्स्ट टाइम, ये क्या है। अभी आपका, आप में से कई प्यारे दोस्तों का ढेर सारा कमेंट आ रहा था कि भाई मेरे में अंडर रिव्यू जो आता है 7 डेज का, उसमें वहां पर मेरे में 14 डेज का आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी कई प्यारे दोस्तों का अभी ये भी कमेंट आ रहा है कि ऑनबोर्डिंग होने के बाद भाई कॉल आएगा या नहीं आएगा, मोज एप्लीकेशन की टीम कॉल करेगी या नहीं करेगी। कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं, चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। गाइस, अभी फाइनली मैं आ गया हूं मोज एप्लीकेशन पर। और अगर आपने अभी तक मोज ऐप को इंस्टॉल ही नहीं किया था तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो लिंक आपको मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में ही, वो मोज फॉर क्रिएटर रेफरल लिंक है, कोई नॉर्मल लिंक नहीं है। तो आप अगर उस लिंक पर क्लिक करके मोज ऐप को इंस्टॉल करते हो यानी MFC के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और अभी आप जो है मोज एप्लीकेशन में MFC में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो एंड इनका क्या क्या प्रोसेस है, फिर जाके फाइनली आपको जो है मोज एप्लीकेशन की तरफ से मिंट्स मिलना स्टार्ट होता है, और कितने दिन बाद आपको मिंट्स मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में A to Z आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अभी जैसे गाइज आप मोज ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको मोबाइल नंबर OTP डाल के यहाँ पर इजिली साइन अप हो जाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 5 वर्जनल वीडियो बनाकर अपलोड करनी होती है। उसके बाद जैसे गाइज आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हो, तो ये वाली प्रोफाइल मेरी न्यू है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर गाइज आपको ऊपर ट्रिपल लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप ट्रिपल लाइन पर क्लिक करते हो यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगा क्रिएटर टूल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करना। यहाँ पर एक ऑप्शन गाइज आपको मोज फॉर क्रिएटर का देखने को मिल जाएगा। आपके सामने गाइज यहाँ पर ऐसा एक पेज जो है आपको देखने को मिलता है मोज फॉर क्रिएटर, एंड यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा मोज बना हिट हो जा। तो यहाँ पर गाइज आपको फर्स्ट में ही राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में कंप्लीट नाउ का, ज्वाइन नाउ का भी कभी कभी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, या कंप्लीट नाउ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर गाइज आप जो है 3 स्टेप में जो है सिंपल 3 स्टेप में आप जो है यहाँ पर साइन अप हो सकते हैं, मतलब मोज फॉर क्रिएटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विच कैटेगरी क्रिएटर यू आर, आप किस कैटेगरी के जो है क्रिएटर हो, तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए, एंड आपको अपनी प्रोफाइल को जो है 100% आपको कंप्लीट कर लेना है, आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेना है। कैसे आप कर सकते हो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपको अपने मोज एप्लीकेशन के कैमरे से, जो भी आपको मोज एप्लीकेशन पर कैमरा मिलता है उस से गाइज आपको यहां पर, अभी तक मोज एप्लीकेशन बोलता था 5 वीडियो बनाने के लिए, बट अभी यहां पर एक न्यू अपडेट ये आ गई है कि अभी आपको ओनली 4 वीडियो ही बनानी है। उसके बाद नीचे गाइज आपको यहां पर एक जो है आपको टिक करने के लिए बोला जाएगा, इनके टर्म कंडीशन को आपको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, एंड उसके बाद सिंपल सा गाइज आपको यहां पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके आप अभी मोज फॉर क्रिएटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज आप दोबारा से जब भी आप यार मोज फॉर क्रिएटर्स पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा, योर रिक्वेस्ट, आपके ने जो MFC के लिए अप्लाई किया है आपकी रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गई है, दैट वाज इजी, बहुत ज्यादा ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू एंड इट मे टेक अप टू 14 डेज। आप में से कई प्यारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे में अभी यार 14 डेज का टाइम आ रहा है, तो यहां पर भी मोज एप्लीकेशन ने इसको चेंज कर दिया है। पहले यहां पर जो टाइम आपको दे रहा था मोज एप्लीकेशन वो ओनली 7 डेज का था, अभी यहां पर इसको इसने जो है इंप्रूव कर दिया, बढ़ा दिया है 14 डेज का कर दिया है। अंडर रिव्यू आपकी प्रोफाइल जो है वो 14 डेज रहेगी, और 14 डेज के अंदर अंदर में मोज एप्लीकेशन की जो टीम है वो आपकी आईडी का रिव्यू करेगी, देखेगी कि आपने जो मोज एप्लीकेशन में MFC में अप्लाई करते टाइम जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया था वो उसी कैटेगरी में आप डेली वीडियो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आप डेली एक्टिव हो या नहीं हो, ये सारी चीजें अभी यहां पर जो है वो देखेगी। और यहां पर नीचे भी आपको रीड करने को मिल जाता है कि डेली आपको एक्टिव रहना है, क्रिएट एवरी डे आपको यहां पर वीडियो बनानी है, एंड यहां पर आपको अपनी वर्जनल वीडियो ही बनानी है, आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड करनी जिसमें वाटरमार्क हो या कहीं से किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया गया हो, क्योंकि
क्योंकि मोज एप्लीकेशन का जो सिस्टम है भाई बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और वो आपकी जो है आपकी वीडियो को पकड़ ही लेगा, आपकी मिस्टेक को पकड़ लेगा और फिर आपका मोज फॉर क्रिएटर में सलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली बोलने का मतलब यहाँ पर कि अभी मोज एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर 7 डेज का टाइम दे रहा था उसको इसने 14 डेज का बढ़ा दिया। और क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि अभी मोज एप्लीकेशन के पास जो है बहुत सारे लोग यार एमएफसी के लिए अप्लाई कर रहे थे और उसकी टीम जो है वो अभी सबकी आईडी का रिव्यू नहीं कर पा रही थी, उसको प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से उसने शायद से जो है 14 डेज यहाँ पर टाइम जो है उसको बढ़ा दिया होगा। उसके बाद गाइज देखो अभी आपकी आईडी यहाँ पर 14 डेज के अंदर अंदर में आपकी आईडी को मोज एप्लीकेशन की रिव्यू टीम रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि आपने वर्जनल वीडियो बनाई है, आपने अपनी कैटेगरी में वीडियो बनाई है एंड उसके बाद आप यहाँ पर डेली एक्टिव हो या नहीं हो, आपको जो भी मोज एप्लीकेशन की तरफ से न्यू हैशटैग दिए जा रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फाइनली अगर आप कर रहे हो, आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको यहाँ पर फाइनली मोज एप्लीकेशन की तरफ से स्टार्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखने को आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, यहाँ पर आपको इस तरीके देखने को मिलेगा एक सीन जिसमें गाइज आपको बोला जाएगा कि आप अभी यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डालो। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो गाइज आपको यहाँ पर ऑनबोर्डिंग होने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप जो है आप कैटेगरी से हटकर वीडियो बना रहे हो, आपकी वीडियो ओरिजिनल नहीं है, फिर गाइज आपको यहाँ पर ये वाला जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये अभी जो है मोज एप्लीकेशन ने क्या दे रखा, और कई प्यारे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे, कल भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, बट अभी यहाँ पर जो है मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पर गाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा जब भी आपका 14 डेज में जो है आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगी मोज एप्लीकेशन की टीम। और अगर आपकी प्रोफाइल में सब कुछ सही है तो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको ऑनबोर्डिंग होने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर का देने का ऑप्शन दे देगी। लेकिन यहाँ पर गाइज अगर आपकी आईडी में प्रॉब्लम है, आपकी वीडियो ओरिजिनल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि वी फाउंड सम नॉन ओरिजिनल वीडियोज, आपको बताया कि मैंने जो है जब रिव्यू किया आपकी आईडी को तो वहां पर मुझे कुछ नॉन वर्जनल वीडियोस मिली हैं जो कि आपकी नहीं है। और यहां पर क्रिएट वर्जनल हाई क्वालिटी वीडियोस, आपको यहां पर हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करने की जरूरत है। एंड उसके बाद यहां पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा तो उसके साथ ही गाइस नीचे यहां पर कुछ टाइम आपको देखने को मिलेगा जहां पर 30 डेज का भी हो सकता है, जो है 30 डेज का ही आपको आई होप देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ यहां पर जैसे जैसे आप डेली वीडियो बनाते जाओगे ये टाइम घटता हुआ चला जाएगा। यू कैन अप्लाई अगेन आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 30 डेज, मतलब यहां पर लिखा हुआ आप में आएगा यू कैन अप्लाई अगेन आफ्टर 30 डेज या जो है 14 डेज, 18 डेज, 20 डेज। मतलब क्या है फाइनली गाइस कि मोज एप्लीकेशन की रिव्यू टीम ने आपकी आईडी का रिव्यू किया और उसने कुछ वीडियोस आपकी यहाँ पर नॉन वर्जनल पाई है जो कि आपको यहाँ पर जो उसने जो है टाइम दिया है कि 30 डेज के अंदर अंदर में आप अपनी जो भी नॉन वर्जनल वीडियोस हैं उनको डिलीट कर दो और आप अपनी कैटेगरी में वीडियो बनाओ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यू कैन अप्लाई अगेन आफ्टर जो है 30 डेज, 20 डेज, मतलब आप दोबारा से अभी आप जो है मोज फॉर क्रिएटर के लिए अप्लाई करो, एमएफसी में अप्लाई करो। यहाँ पर मोज एप्लीकेशन ने जो पहले आपको वेल बिगन इज हाफ डन का आपको जो पहले ऑप्शन दे रहा था उसको एकदम से अभी यहां पर रिमूव कर दिया है, मतलब आपको अपनी आईडी का अगर फिर से रिव्यू कराना है तो फिर से आपको एमएफसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अभी यहां पर वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जो आपका यहां पर 30 डेज का टाइम मिलता था उसके अंडर में फिर से दोबारा से आपकी आईडी का रिव्यू कर लेती थी मोज एप्लीकेशन की टीम। अब मुझे जो लगता है आई होप कि यहां पर अभी वो रिव्यू नहीं करेगी और 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको एमएफसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड गाइस यहां पर फिर से आपकी आईडी 14 डेज अंडर रिव्यू रहेगी, मोज एप्लीकेशन की टीम जो है वो आपकी आईडी का फिर से 14 डेज के अंदर में रिव्यू करेगा। अगर वो आपकी सारी वीडियो ओरिजिनल लगेगी, आप डेली एक्टिव रहोगे, आप डेली वीडियो बनाते रहोगे, तो गाइस आपको यहां पर फाइनली मोज एप्लीकेशन की तरफ से मोज फॉर क्रिएटर में ऑनबोर्डिंग होने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको अभी मोज एप्लीकेशन आपको आपका व्हाट्सअप नंबर बोलेगा डालने के लिए आप, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको अपना डालना होगा, वही नंबर डालना जिस नंबर से गाइज आप जो है यहाँ पर मोज एप्लीकेशन पर आपने आईडी बनाई है, आप मोज एप्लीकेशन पर साइन अप हुए हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनली जैसे ही आप यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर डालते हो उसके बाद लास्ट में गाइज आपको यहाँ पर ये वाला मैसेज देखने को मिल जाएगा वेलकम
टू मोज फॉर क्रिएटर्स। अभी गाइज आपका मोज एप्लीकेशन के अंदर में आपका यहां पर मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन हो गया है। एंड उसके बाद अभी आप में से कई प्यारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या अभी मोज एप्लीकेशन की जो टीम है वो कॉल नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी गाइज, इसीलिए मोज एप्लीकेशन ने ये न्यू अपडेट आपको दे दी है ऑनबोर्डिंग इन प्रोसेस की। आपको यहां पर ओनली आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है एंड उसके बाद आप जो है आप जैसे आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो मोज एप्लीकेशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। एंड वहीं पर गाइज आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मोज एप्लीकेशन का ऑनबोर्डिंग फॉर्म मिल जाएगा एंड साथ ही गाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वहीं पर मिल जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहीं से आपको जो है मोज एप्लीकेशन से अगर आपकी कुछ क्वायरीज वगैरह है तो आप वहीं से अपनी जो है हेल्प वगैरह ले सकते हो। अभी गाइज आप में से कुछ प्यारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर्स आने के बाद और जब भी मैं जो है मोज एप्लीकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा ऑनबोर्डिंग मेरा जो है यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कितने दिनों बाद मुझे मोज एप्लीकेशन की तरफ से मिंट्स मिलेगा, क्या तुरंत मिलेगा या जो है कितना टाइम लगेगा? तो अभी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं मोज एप्लीकेशन की अपनी फर्स्ट वाली आईडी पर आ गया हूँ एंड यहाँ पर मेरा मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन भी हो गया है। आपको देखने को मिलेगा कि मोज फॉर क्रिएटर्स पर जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर्स मेरे में आ रहा है और मुझे अभी यहाँ पर फाइनली मिंट्स भी मिल भी रहा है। और यहाँ पर जैसे आप वायलेट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर थोड़े बहुत मिंट्स मिल जाते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होती है, केवाईसी वेरीफाइड है मेरे में अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर यार फाइनली अगर हम लोग बात करें कि मेरा मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन होने के बाद कितने टाइम बाद मुझे मिंट्स मिलेगा तो 7 days आपको लगता है जिस दिन आपका मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन होगा उसके 7वें दिन से आपको मोज एप्लीकेशन की तरफ से मिंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी आपके मिंट्स मिलेंगे वो आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे, आपके वॉलेट में देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल आपके मिंट्स देखने को मिलेंगे। और जो मिंट्स की वैल्यू है 2 मिंट्स बराबर 1 रुपये के होता है, 978 मिंट्स है और 489 रुपये हो जाते हैं की वैल्यू। जैसे यहां पर गाइस आपके मिनिमम 1000 मिनट्स हो जाते हैं यानी 500 रुपए हो जाते हैं, रिडीम पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप रिडीम पर क्लिक करोगे तो यहां पर गाइस आपको मिनट्स सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, मिनिमम 1000 मिनट्स आप यहां पर डाल सकते हो। पैसा गाइस आप विड्रॉल लेने के लिए अगर आपको आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, मैं यहां पर ऐड कर रखा हूं आप देख सकते हो, या गाइस आप जो है कोई भी बैंक आप बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लो एंड उसके बाद सिंपल सा आपको यहां पर जो है मिंट्स आपको डालने हैं, टोटल मिंट्स आप कितने विड्रॉल लेना चाहते हो, आपके जो है वॉलेट में कितने जो है पैसे पड़े हुए मिंट्स पड़े हुए, उसके बाद सिंपल सा गाइज आपको रिडीम पर क्लिक करना है, पैसा 1 सेकंड के अंदर में गाइज आपके बैंक अकाउंट में या पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपको रिसीव हो जाएगा। आई होप कि गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं गाइज, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय